एक बार दो बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? उसने अरे इधर आ बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ, उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है। लेकिन ये मूर्ख की पहचान है जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां, नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है? हमारा मालिक और ना समझ, हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी? फोन नहीं कर सकता था? दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुना। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण, सब लोग लेते, इसमें क्या है? गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा रामायण रामचरितमानस रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है? ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता? हाँ ये कुछ कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना और बार सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ आ महाराज क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरु जी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझ ना आए, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरु जी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरु जी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरु जी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे? बोलो। सो गुरु जी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं दो गधा कौन थे? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम।